दोस्तों अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली ना तो आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी के लायक। तो दोस्तों कुछ ऐसी सेटिंग हम आपको बताएंगे जो आपको ज़रूर करनी होती है, अगर आप नहीं करते तो आपकी जो मॉर्फो डिवाइस है वो रन नहीं करती, ठीक से लाइट नहीं आती। तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिया है प्रोग्राम, इस पर जाएंगे। प्रोग्राम पर जाने के बाद प्रोग्राम एंड फैसिलिटी पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये जो आपने इंस्टॉल कर रखे है अपने सिस्टम में ड्राइवर, वे इस तरह से आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, हमारा जो मॉर्फो का ड्राइवर है उसको यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे। मॉर्फो के ड्राइवर थे वो हमने अनइंस्टॉल कर दिए है। अब क्या करेंगे, तो दोस्तों अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करेंगे मॉर्फो आरडी सर्विस। तो जैसे ही आप मॉर्फो आरडी सर्विस सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आरडी सर्विस ऑनलाइन मॉर्फो फिंगरप्रिंट आरडी सर्विस का लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जो मॉर्फो की आरडी सर्विस की है। आप क्या करेंगे, यहाँ से हम मॉर्फो का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ जाना है डाउनलोड पर। डाउनलोड पर जाने के बाद दोस्तों नीचे दिया है विंडोज लोकल होस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और ये अपना ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा ड्राइवर मॉर्फो का ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से कुछ ये जिप फाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा ड्राइवर डाउनलोड हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, जो जिप फाइल दी गई है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पर ले जाएंगे और यहाँ एक नया फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बना लिया है और इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर जो कॉपी किया था हमने इसका सेटअप आरडी सर्विस, इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, जो हमने ड्राइवर डाउनलोड कर रखा है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दिया एक्सट्रैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये जो सेटअप है आरडी सर्विस का ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से ये इसका सेटअप आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और जो इसमें ये सेटअप दिया है आरडी सर्विस का, इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आरडी सर्विस का ये सेटअप है ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यस करेंगे, तरह से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो सेटअप था आरडी सर्विस का वो रन हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लेंगे, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना सिस्टम जो लैपटॉप है एक बार रिस्टार्ट ज़रूर करिए। और हम नहीं करेंगे तो हम नो पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर। अब क्या करना है, हमें अपने क्रोम की सेटिंग करनी है तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र की जो ये तीन बिंदी दी है इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद अपना क्रोम ब्राउज़र का वर्जन अपडेट करेंगे। तो दोस्तों अपडेट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे हेल्प पर। हेल्प पर जाने के बाद अबाउट गूगल क्रोम, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेटेस्ट वर्जन इस तरह से अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा पहले से ही ये अपडेट है, अगर आपका अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए, तभी आपकी आरडी सर्विस काम करेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है क्रोम सेटिंग, इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्लैग्स। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सर्च बार दिया है सर्च फ्लैग्स का, इसमें क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट, इस तरह से लोकल होस्ट लिख लेंगे और ये आपका जो लोकल होस्ट है
यहाँ पर अगर आपका डिसेबल है तो इसको अनेबल कर देंगे, अनेबल करने के बाद री अपलोड कर देंगे तो आपके क्रोम की सेटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने क्रोम की सेटिंग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगली सेटिंग आपको बताएंगे। फाइल में जाएंगे अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में, और यहाँ पर जो मोरफा आर डी सर्विस का ये होल्डर दिया गया है ओपन करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर दिया है कन्फिग सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है कम्युनिकेट मोड। इसमें क्या करेंगे, और आपका जीरो है तो जीरो रहने देंगे, और दोस्तों आपका वन है तो यहाँ पर जीरो कर लेंगे, इस तरह से जीरो कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो आरडी सर्विस है वो वर्क कर रहा है या नहीं। सीएससी आईडी पासवर्ड डालकर पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर दिया है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेट, इस पर क्लिक करेंगे, और जिस किसान की आप पीएम किसान ई केवाईसी करना चाह रहे हैं उस किसान का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ सर्च दिया है, सर्च पर क्लिक करेंगे और अगला स्टेप आपका मोबाइल नंबर का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी मोबाइल नंबर कोई सा भी आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा और अगला स्टेप आपका इस तरह से खुल जाएगा, ओटीपी हैज बीन सेंड योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों हमारे पास ओटीपी आ गया है, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ दिया है सबमिट ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप आपका इस तरह से हो जाएगा और जो आपकी आरडी सर्विस है जो आपने रन करी है वो रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैप्चर ई केवाईसी, कैप्चर ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डिवाइस लगा रखी है मोरफो डिवाइस उस पर लाइट जलने लगेगी। अब क्या करेंगे, जिस किसान की भी आप ई केवाईसी करा रहे हैं उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर कराएंगे, स्कैन कराएंगे। जैसे ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएगा तो आपके सामने ये फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपनी आरडी सर्विस को रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक